हाँ जी एक भाई का सवाल है कि मैंने अपनी बीवी को कुछ महीने पहले तलाक दे दी थी और इसमें से मेरे 3 बच्चे हैं। अब मुतलका जो औरत थी उसने दूसरी शादी कर ली है मुद्दत पूरी होने के बाद, तो बच्चे किसके पास रहेंगे? अब बच्चे तो मर्द के ही होते हैं, इस्टेब्लिश्ड है ये तो, हर सूरत में मर्द के हैं, इस्लाम में बच्चे मर्द के हैं। शोहर के फौत होने और शोहर का बीवी को तलाक देने की इद्दत के वक्त में क्या फर्क है और इद्दत कितनी? हाँ जी, जो फौत हो गया उस पर तो सो गए ना, 4 महीने 10 दिन आया कुरान में, बुखारी मुस्लिम में भी आया। और जो मुतल्लका है उसकी तो वो 3 हैज के बाद वो पाक हो। इसमें एक एक्सेप्शन कुरान में आई है कि अगर वो औरत हामिला है तो डिलीवरी के बाद उसकी इद्दत फौरन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन निकाह वो उसी सूरत करेगी जब वो पाक हो जाएगी। ठीक हो गया, ये ऐसे इसमें है जब कोई औरत हैज से मायूस हो जाए तो उसका भी खावंद फोर हो जाए तो फोत हो जाए तो 4 माह 10 दिन है। हाँ जी, वो इसलिए कि उसका सोग है ना जी, करेगी ना सोग तो करना है, चाहे बूढ़ी औरत है चाहे जवान है, सोग तो उसने करना है ना सर। कज़न मैरिज करना कैसा है, शरीयत में इसके कोई नुकसान तो नहीं है? शरीयत में इसकी कोई ममानत नहीं है, अगर कोई मेडिकली समझता है कि कोई इसमें इश्यूज आ रहे हैं तो वो बेहतर की तलाश में तो जा सकता है, ठीक है, लेकिन हराम नहीं कोई किसको कह सकता।